most difficult job in India is to be an honest politician. I'm telling you, honest politician ko aise joote padte hain, aise joote padte hain, aisi maar padti hai, pirti hai, aap believe nahi kar sakoge. Matlab agar politician sachai bole, उसकी ऐसी पिटाई होती है, ऐसी गाली लगती है, आप बिलीव नहीं करोगे. मैंने ये सहा है, मेरे साथ हुआ है. सर, व्हाट प्रोविजन वुड यू प्रोवाइड इफ अ यंग पॉलिटिशियन वांट्स टू एंटर पॉलिटिक्स? आई वुड से दैट पॉलिटिक्स इज अ क्लोज सिस्टम और वो सब पार्टीज में है, बंद तालाब है. उसमें बाहर निकलने की जगह नहीं है. बेसिकली ये है, जब तक उस बंद तालाब को नदी में नहीं बदला, तब तक उसमें सफाई नहीं आ सकती है. और मैं आपको बताता हूं, जो भी इसको नदी में बदलने की कोशिश करता है उसको मारते हैं, उसकी पिटाई होती है, गाली लगती है, मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि सबके सब लोग चाहते हैं ये तालाब ही रहे, ये खुले ना. हर पार्टी में, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी में सब लोग चाहते हैं ये तालाब बना रहे. और तालाब को खोलने का एक ही तरीका है. मैं जानता हूं कि अब आप लोग बहुत बिजी हो गए हो, अब आपको जीएसटी का फॉर्म भरना पड़ रहा है, मगर आप जैसे लोग जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तब तक ये तालाब नदी में नहीं बदल सकता है. मोदी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स बनाएगा. उनका यह मतलब था कि पूरे हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी और मीडियम साइज बिजनेसेस को अकाउंटिंग फर्म में बदल देंगे वो. हो गया. दूसरा क्वेश्चन, मगर अब करा क्या जाए? सीरियसली हमें करना क्या चाहिए? हम उन पर दबाव डाल सकते हैं, सुनते तो नहीं हमारी बात, मगर हम धरना शरना करके थोड़ा दबाव डाल सकते हैं. तो किस चीज पे हमें दबाव डालना चाहिए? थोड़ा इसका अंदर वो मतलब फॉर्म का जो कार्यवाही है और रिटर्न सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए. तो आप कितनी फॉर्म भरते हैं? 37 फॉर्म का है, अभी चार या छह तो भर दिया है. मतलब महीने में 3-4 फॉर्म. चार. और क्या क्या अलग फॉर्म होती है? वो होता है GSTR 3B. हाँ. बी में हम लोगों को क्या टैक्स भरना है वो देना पड़ता है. फिर GSTR 1 आता है, कितना तुमने सेल किया वो दे दो. फिर 2 आता है, कितना परचेस किया वो दे दो. अभी 2 तो नहीं हुआ है चालू. फिर GSTR 3 होगा, वो कितना सेल परचेस किया वो सब दे दो. एक महीने में 4 फॉर्म लेगा वो. और तो साथ में पेनल्टी भी. हाँ. कि हमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करवाने पे थोड़ा दबाव डालना चाहिए. हम डालेंगे डीमोनेटाइजेशन में. हिंदुस्तान के सबसे बड़े चोरों ने अपने काले धन को सफेद कर दिया है. वो रियलिटी है. और जो बेचारा किसान कैश में बीज खरीदता है वो लाइन में खड़ा है. तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कहना कि सब छोटे व्यापारी, सब छोटे बिजनेस वाले चोर हैं, ये बिल्कुल गलत है. आप लोग चोर नहीं हो. आप लोग जरूर कैश में काम करते हो, मगर आप लोग चोर नहीं हो. आप लोग इस देश को चलाते हो.